टू द चैनल एवरी वन वंस अगेन सो इस वीडियो में एफ आर बी आर को थोड़ा डिटेल में आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा हमारा ओरिएंटेड रहेगा इससे पहले भी एफ का एक मैंने वीडियो डाला है अगर आपने वो वाला नहीं देखा है वीडियो तो इस, इसी वीडियो के ऊपर आई बटन पे मैंने जो है उसका लिंक डाल दिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं इससे पहले वो वाला भी देख लीजिएगा ताकि क्योंकि उसमें भी काफ़ी थेरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर है और इसमें जो है थेरेटिकल में से जो एग्ज़ाम प्रस्पेक्टिव से जो आते हैं जो मोस्ट फ्रीकुंट जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसी को यहाँ पर जो है कवर किया गया है तो एफ़ आर बी आर का सबसे पहले जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि इसका फुल फॉर्म आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है अब यहाँ पे देखिए इसके डिटेल में जाएँ तो एफ आर बी आर इज़ अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक कैसा मॉडल है पूछ सकता है वहाँ पे तो ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो इफिला के द्वारा डेट इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर बिब्लोग्राफिक डेटा तो एफ बनाया ही क्यों गया इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइज कर किया जा कि सके स्ट्रक्चर किया जा सके बिब्लोग्राफिक डेटा को उसके अलावा एफ आर बी आर प्राइमरली गोल इज़ टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि एफ आर बी आर का जो प्राइमरी गोल क्या होता है प्रोवाइड करना एक फ्रेमवर्क जहाँ पे क्रिएट हो सके मैनेज हो सके बिबलोग्राफिक रिकॉर्ड इन अ वे डैट सपोर्ट यूज़र नीड एंड इम्प्रूवस रिसोर्स uh, रिकवरी मतलब कि जो यूज़र नीड को फुलफ़िल कर सके उसको सपोर्ट कर सके और जो भी हमारा इम्प्रूव कर सके जो रिकवरी रिकॉर्ड है मतलब जो हमें अगर कुछ वापस चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत अमल uh, मतलब ना हो उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वाट आई हैव आई मीन यू नो फॉर वाट आई हैव ब्रिंग दिस लेक्चर इज द मॉडल्स फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एनटिटी सचेस यहाँ पे जो है चार यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन चारों का नाम दिया गया हुआ होता है इनमें से तीन का किसी का नाम दे देगा और पूछेगा कि चौथा कौन सा है या फिर चार तीन का, किसी अलग अलग का नाम होगा और एक किसका होगा और उसमें पूछेगा इसमें से एफ आर जो है इसका मॉडल्स में से कौन सा ये जो है इसमें आता है एनटीटी तो सबसे पहला है वर्क सेकेंड है एक्सप्रेशन थर्ड है मैनी मैनीफेस्टेशन एंड फोर्थ है आइटम तो इसको फीज़ो के कंसेप्ट से भी आप याद कर सकते हैं फीज़ो डेट इज़ सॉरी डब्ल्यू ई एम आई ठीक है इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं जैसे पहले काम होता है फिर काम करके बाद आप एक्सप्रेश ठीक है एक्सप्रेशन लेते हो एक्सप्रेशन देते हो एक्सप्रेशन किसी का देखते हो कि कैसा काम गया है फिर मैनिफेस्टेशन होता है उस काम का और फिर आइटम ठीक है अब डिटेल में देखते हैं व्हाट इज दिस वर्क अ डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक क्रिएशन जो भी मतलब हमारा क्रिएटिव वर्क होते हैं वो सब वर्क में आता है जैसे नोवेल हो गया पोएम हो गया म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो गया ई और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं एक्सप्रेशन में क्या होता है अस्पेसीफिक्पेसिफिक रिप्रजेंटेशन ऑफ अ वर्क किसी वर्क uh, का रिप्रजेंटेशन स्पेसिफिक वर्क का रिप्रजेंटेशन जो होता है वह एक्सप्रेशन में आता है जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया एडॉप्टेन एंड परफॉर्मेंस हो गया मैनीफेस्टेशन की बात करें एक फिज़िकल और डिजिटल एम्बॉडीमेंट है ऑफ एन एक्सप्रेशन वह एक्सप्रेशन का फिजिकल एंड डिजिटल एम्बॉडमेंट है जैसे कि बुक हो गया ई e बुक हो गया ऑडियो बुक हो गया आइटम की बात करें इट इज़ अ सिंगल कॉपी ऑफ़ अ मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन का अगर सिंगल कॉपी की बात करें तो एक आइटम होता है जैसे अ स्पेसिफिक बुक ऑन अ शेल्फ अगर किसी शेल्फ पे एक कोई बुक रखा हुआ है तो उस बुक की बात करें तो दिस वॉट कॉल दिस कॉल एन आइटम तो ये चारों जो है जो वर्ड है इनको आप दिलो दिमाग में आप बसा लें उसके बाद एफ आर बी आर ऑल्सो डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटी अभी ये जो एंटिटी हैं इनके बीच में जो है रिलेशनशिप भी ये बताता है जैसे वर्क एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप बताता है जैसे अन नोवल एंड इट्स ट्रांसलेशन एक नोवल होता है उसका ट्रांसलेशन हो सकता है वर्क क्या है नोवल है और ट्रांसलेशन हो गया तो वो एक्सप्रेशन हो गया तो दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है फिर एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन तो एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें कैसे रिलेशनशिप दिख रहा है हमको अ प्ले एंड इट्स प्रिंटेड एडिशन एक प्ले है जो कि एक्सप्रेशन है और उसका एक प्रिंटेड एडिशन हमने निकाल लिया वो मैनिफेस्टेशन होता है उसके अलावा मैनिफेस्टेशन और आइटम का भी रिलेशनशिप है जैसे कि अ बुक एंड अ स्पेसिफिक कॉपी ऑन अ सेल एक बुक और उसकी एक स्पेसिफिक कॉपी जो कि एक शेल्फ पे रखी हुई है ये रिलेशनशिप बताती है मैनिफेस्टेशन एंड आइटम की सो बाय यूजिंग एफआरबीआर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन क्रिएट मोर एक्यूरेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड बिलोग्राफिक रिकॉर्ड ये एफ आर को यूज़ करके लाइब्रेरी एंड एनफॉर्मेशन जो सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं वो क्रिएट करते हैं मोर एक्यूरेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं एक्यूरेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड ब्यूलोग्राफी जो कि यूजर uh, से कनेक्टेड हो रिकॉर्ड इम्प्रूविंग रिसोर्स रिकवरी रिसोर्स रिकवरी को में भी हेल्प करता है ये एंड द यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस को भी ये बेहतरी बेहतर करता है तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर आई होप अब एफ से कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द मतलब वीडियो से जाएगा आपको एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि एक ना एक क्वेश्चन आपका इसमें से आने ही आने वाला है तो इसको आप अच्छे से दो तीन बार वीडियो को देख लें चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं और पी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे डल जाता है तो वो अब वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी वीडियो के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया होगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आशा करते हैं आप सभी को आज का लेक्चर जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद